मैनपुरी जनपद में हर दिन हो रही आपराधिक घटनाओं ने जिले को थर्रा की कड़ी में मैनपुरी में दिन दिल को दहलाने वाली एक ना प्रकाश में आई है। मैनपुरी के जरावाई गांव में 65 वर्षीय वृद्ध का सड़क किनारे सब पड़ा मिला। सबका एक हाथ और धड़ अलग था। सबकी पहचान धारू निवासी गेंदालाल के रूप में की गई। मृतक गेंदालाल 5 दिन पूर्व अपनी नातनी की शादी के कार्ड बांटने निकले थे, तब से वो लापता थे। 19 जुलाई को घर में नातनी की शादी है होनी है। कोतवाली में गेंदालाल के घुसने दर्ज। पूरे मामले के अनुसार दन्नाथ थाना क्षेत्र के जरामई में 65 वर्षीय वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक का शव और हाथ धड़ से अलग था। सबकी पहचान धारू निवासी गेंदालाल शक्के के रूप में की गई। गेंदालाल अपनी नातनी की शादी की कार्ड बांटने घर से निकले थे। 5 दिन बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटे। वहीं परिजनों ने उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी। मृतक गेंदालाल के घर में 19 जुलाई को नातनी शिवानी की शादी है। घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां की जा रही थी। गेंदालाल की मौत की खबर परिजनों को मिलते ही शादी वाले घर में माप छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की सूचना मिलते ही विधायक राजू यादव भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और मैनपुरी में लगातार बढ़ी घटनाओं पर चिंता भी प्रकट की। मैनपुरी पुलिस के आला अधिकारियों ने मैनपुरी उसी में गए थे कार्ड देने के लिए और आलू लेने के लिए। पता कैसे चला आपको? पता ऐसे चला, जैसे शाम को 8 बजे के बाद जब नहीं आए घर पे, तो वहाँ एक मतलब रहते पंडित, उनसे फ़ोन किया तो मतलब उन्होंने बताया कि वो हमारे यहाँ 4 बजे से चले गए यहाँ से। आपने गुमशुदगी दर्ज कराई थी? गुमशुदगी कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। हम विधायक जी के पास भी गए तो विधायक जी ने फ़ोन किया और उन्होंने कोई भी सुनवाई फिर भी नहीं की। हाँ, पुलिस से आपसे कोई वो मिली जानकारी कुछ मिली थी या नहीं? जानकारी पुलिस हमारे यहाँ कोई एक मतलब झकने भी नहीं कोई गया। मतलब इन लोगों से कहा तो इनने कहा अरे तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, 24 घंटे तो हो जाने दो भाई, गुम हो गए तो देख लो इंतजार। हमने गुम हो गए तो मतलब बॉडी मिली है, सब मिला है, क्या पूरा मामला है? आज बॉडी मिली है और हम वही पोस्टमार्टम पे हैं। पिछले 25-30 दिनों में मैनपुरी में अपराध की जो बाढ़ आई है, ताबड़तोड़ हत्याएं, लूट, चोरी, गाड़ी की चोरी, तमाम तरह की वारदातें हो रही हैं और पुलिस किसी भी चीज़ का खुलासा नहीं कर पा रही है। ये जो व्यक्ति गायब हुए, 9 तारीख को लापता हुए, परिवार वालों ने 9 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराई। आज तारीख 5वां दिन है और आप विश्वास करिए, कल मैंने स्वयं एडिशनल SP को फ़ोन किया दिन के 12 बजे। मैंने कहा पुलिस ने अभी तक घर वालों के बयान भी दर्ज नहीं किए हैं और एडिशनल SP ने मुझसे कहा कि हम आज ही कार्रवाई कराते हैं। विधायक जी बताते हैं शादी भी थी इनके घर में? इनके घर में इनकी नातनी की 19 तारीख को शादी है, कोई दुश्मनी नहीं, इनके नाम कोई खेती नहीं और इनकी इतनी निर्मम हत्या हुई है। हम मांग कर रहे हैं कि सरकार मृतक की सहायता करे और बहुत जल्द से जल्द केस खोला जाए और मैनपुरी में जो मृतक है इनकी नाम हुई है गेंदालाल 7 ग्राम धारू परिचय के और ये चापाने से चल रहे थे और बताया गया कि इनकी नातिन की शादी है, उसके लिए उनके कार बाटिंग गए थे तो लौटते नहीं। आज एक बनी घटता है ग्रामायुक्त गाँव का और उनके पूरी कोशिश बनी हुई है, उसी के अंदर इनकी दल ग्रामीण है। पंचायत में हर के लिए कोशल कराई जा रही है, अभी परिजनों की तैयारी नहीं दी है, यही प्राप्त हुई है।